वेलकम बैक टू माई चैनल रेसिपी विद प्रीत, जहाँ मैं आपसे शेयर करती हूँ हॉल वीडियोज एंड स्टाइलिंग वीडियोज। आज की वीडियो में ना मैं कुछ आपसे विंटर अप्रोप्रिएट स्वेटर्स जो है शेयर करने वाली हूँ। मिंत्रा पर जो है एंड ऑफ सीजन सेल शुरू हो गई है, तो आपको इन सब प्रोडक्ट्स के ऊपर ना काफ़ी अच्छे डिस्काउंट्स जो हैं मिल जाएंगे। अप टू 70-80% तक जो है आपको इन सब प्रोडक्ट्स के ऊपर डिस्काउंट मिल जाएगा। इन सब के लिंक्स जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट अच्छा लगता है, आप ऑर्डर करना चाहते हैं, तो उन लिंक्स के थ्रू आप ऑर्डर कर सकते हैं। इन सब का ट्राई ऑन और प्राइस भी आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। कुछ भी अच्छा लगता है तो ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो जो फर्स्ट प्रोडक्ट मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, वो मैंने लिया है ये बहुत ही अच्छे फ्यूशिया पिंक कलर के अंदर केबल निटेड स्वेटर लिया है मैंने। ये है फ्रॉम द ब्रांड ऑल अबाउट यू। मैंने जितने भी स्वेटर्स लिए हैं ना, सब मैंने 36 साइज़ के अंदर लिए हैं, क्योंकि विंटर्स में क्या होता है ना, आप अपने हर स्वेटर्स के नीचे कुछ वार्मर तो ज़रूर पहनते ही पहनते हैं। तो अगर आप फिटेड ले लेंगे, पूरा आपका ट्रू टू साइज़ ले लेंगे ना, तो आपको बिल्कुल फंस जाएगा। तो इसलिए मैंने ना एक साइज़ अप ऑर्डर किया है, कि अगर मैं इसको लेयरिंग करके भी पहनूँ ना, तो आराम से मेरे को फिट हो जाए। इस तरीके से ये आपका ना राउंड नेक के अंदर आपका स्वेटर है, केबल निटेड के अंदर सिंपल डिसेंट सा स्वेटर है रेगुलर वियर के हिसाब से। फ्रंट से इसका ये वाला लुक है, पीछे से इसका ये वाला लुक है। ओवरऑल निटेड स्वेटर है ये, पहना हुआ अच्छा लग रहा था। मैंने इसको अपनी ब्लू डेनिम के साथ स्टाइल किया है। इसको आप ट्राउजर स्कर्ट के साथ भी पहन सकते हैं, उसके साथ भी अच्छा लगेगा, उसके साथ भी अच्छी लुक देगा। फैब्रिक अच्छा है इसका, ब्रांड अच्छा है, और कलर भी बहुत अच्छा है। ये विंटर्स में पहना हुआ तो बहुत प्यारा लगता है। तो आप ट्राई ऑन में देख लो किस तरीके का लग रहा है, ये आप चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्वेटर जो मैंने लिया है, वो मैंने ये ब्लैक एंड ग्रीन शेड के अंदर लिया है। फ्रंट से इसकी इस तरीके की पूरी लुक है, और बैक से भी अगेन सेम डिज़ाइन है। स्लीव्स पे भी इसके सेम डिज़ाइन बना हुआ है जो आपका बैक और फ्रंट पे बना हुआ है। बहुत ही डिसेंट सा सिंपल सा स्वेटर है, राउंड इसकी नेक है, बहुत ही हल्का जो है ना लाइट वेट स्वेटर है। इसको आप लाइट विंटर्स के अंदर पहन सकते हैं, और अगर आपको हैवी विंटर्स में पहनना है तो इसके नीचे आप इसको हाई नेक पहन सकते हैं, वार्मर पहन सकते हैं, ऊपर से इसको स्टाइलिश लुक क्रिएट करने के लिए इसको पहन सकते हैं, अच्छा लगेगा। इसको भी मैंने अगेन अपनी डेनिम के साथ स्टाइल किया है, अच्छा लग रहा था पहना हुआ। ये मैंने जो स्वेटर लिया है, ये भी मैंने जो है मिंत्रा से लिया है। इसकी वीडियो अभी वक्त तक चली गई होगी, नहीं गई होगी तो मैं इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप चेकआउट कर लेना। नेक्स्ट प्रोडक्ट देखते हैं कौन सा है। नेक्स्ट स्वेटर जो है ना, मैंने ये वेलवेट थ्रेड से बना हुआ जो स्वेटर होता है ना, उस तरीके का है ये, बहुत वॉर्म और अच्छा था। इस तरीके का ना ये स्वेटर है, मस्टर्ड शेड के अंदर। फ्रंट से इसका ये लुक है, हाई नेक स्वेटर है, थोड़ा लूज लूज नेक है, और बैक से इसकी इस तरीके की लुक है। ये जो है ना थोड़ा सा हाई लू और का ए लाइन के अंदर जो है ये स्वेटर है, ये लूज लूज लुक के अंदर। स्लीव जो है इसके इस तरीके की है। क्वालिटी इसकी बहुत ही अच्छी है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट ऑन स्किन है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। पहना हुआ मुझे पता भी नहीं लग रहा था कि मतलब इतना लाइट वेट और इतना एलिगेंट सा है ना। इसको मैंने ब्लैक कलर की टाइट्स के साथ पहना है। अगेन अगर ऊपर से थोड़ा लूज है ना, तो नीचे कुछ आप इसके टाइट पहनेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। इसकी लुक आप देख लो किस तरीके की लग रही है। इसमें भी आई गेस बहुत सारे कलर्स अवेलेबल हैं, कोई और कलर चाहिए आप ऑर्डर कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये कलर तो है एवरग्रीन कलर, अप्रोप्रिएट कलर है विंटर्स के अकॉर्डिंग। कलरफुल वार्डरोब चाहिए तो इस तरीके के ऐड कर सकते हैं आप कलर्स। नेक्स्ट स्वेटर जो मैंने लिया है, मैंने इस लैवेंडर शेड के अंदर लिया है। बहुत ही डिसेंट सिंपल सा निटेड स्वेटर है ये। फ्रंट और बैक और स्लीव सब जगह से सिमिलर है। इसको मैंने वाइट शर्ट के साथ ऊपर से लेयर करके पहना है, नीचे जीन्स पहनी है। आप इस स्वेटर को यूज़ करके ना फॉर्मल लुक और कैजुअल लुक दोनों क्रिएट कर सकते हैं, दोनों तरीके से पहन सकते हैं। बहुत ही अच्छा स्वेटर है, सिंपल सा स्वेटर है। कलर बेस्ट पार्ट इसमें जिसका ना लेवेंडर कलर बहुत अच्छा लगा। ये कलर तो काफ़ी टाइम से बहुत ट्रेंड में चल रहा है, तो इस तरीके के कलर्स मेरे को तो बहुत अच्छे लगते हैं। गर्लिश कलर है, बहुत ज़्यादा अच्छा कलर है, और निट भी जो है ना इसका अच्छी क्वालिटी से निटेड हो रखा है, अच्छा लग रहा था पहना हुआ। आपको अच्छा लगता है चेकआउट कर लेना। और स्लीव जो है ना आगे से इसकी तरीके से यहाँ पे ना इलास्टिकेटेड डिज़ाइन दे रखा है, यहाँ पे अच्छा फिट आ रहा था मुझे, तो कफ्स काफ़ी अच्छे हैं इसके, अच्छा लग रहा था पहना हुआ। नेक्स्ट स्वेटर जो है फॉर्मल लुक के हिसाब से परफेक्ट है ये। इस तरीके का ये ना स्वेटर है, कॉलर्ड वाला स्वेटर है। स्लीव्स जो है ना इसकी डुअल टोन स्लीव्स हैं, एक तरफ ग्रीन है और एक तरफ ब्लू है,
और पीछे से इस तरीके से ब्लू है, फ्रंट से इस तरीके से ब्लू है। बस इसकी जो स्लीव का डिज़ाइन है ना वो एक साइड से थोड़ा डिफरेंट है, बहुत यूनिक सा लग रहा था। अगेन फॉर्मल वियर के हिसाब से परफेक्ट है क्योंकि कॉलर्स दे रखे हैं ना, तो फॉर्मल के हिसाब से आप इसको पहन सकते हैं। फैब्रिक इसका रिब्ड एक्रेलिक मटेरियल है, मोटा कपड़ा है, ऐसा नहीं है कि बहुत पतला है, सी थ्रू नहीं है, मोटा है। आप इसको ट्राउजर्स के साथ पहन सकते हैं, अच्छा लगेगा पहना हुआ, जीन्स के साथ भी पहनना चाहते हैं उसके साथ भी पहन सकते हैं। ओवरऑल इसकी लुक आप देख लो कैसी लग रही थी, मुझे अच्छा लग रहा था पहना हुआ, चेकआउट कर लेना। नेक्स्ट स्वेटर जो है ना, ये स्वेटर तो उस तरीके के स्वेटर्स तो बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में है। मैंने ना हाई नेक आपका जिप के अंदर जिप क्लोजर वाला स्वेटर है, आगे ऐसे जिप की डिटेल दे रखी है, और हाई नेक के अंदर है स्ट्राइप्ड स्वेटर है इस तरीके का, ब्लैक के ऊपर वाइट कलर की स्ट्राइप्स दे रखे हैं। ये भी जो है ना थोड़ा ओवर साइज़ के अंदर है, इसको आप अगर फिटेड लुक में चाहते हैं तो एक साइज़ डाउन कर सकते हैं। फ्रंट से ऐसा है ये, पीछे से भी सेम वही लुक है जो इसकी आगे से लुक दे रखी है, बट बेस्ट पार्ट इज कॉलर नेक है, जिपर दे रखा है, बहुत ही ट्रेंड में चल रहा है इस तरीके का स्वेटर और डिज़ाइन। इसके अंदर भी ब्लू कलर भी अवेलेबल है, एक लाइट ब्लू कलर और एक ये ब्लैक कलर अवेलेबल है। ब्लैक स्टेपल है वार्डरोब, तो आप इसको बहुत ही तरीके से ना लंबे टाइम तक यूज़ कर सकते हैं, लंबे टाइम तक पहन सकते हैं। अच्छी लुक है, फैब्रिक इसका मोटा वुलन मटेरियल है, मोटा कपड़ा है, ऐसा नहीं है पतला है। हैवी विंटर्स में पहनना तो नीचे वार्मर पहन लो, लाइट विंटर्स में पहनना तो आप इसको सिंपल ऐसे ही कैरी कर सकते हो। लास्ट एंड फाइनल प्रोडक्ट जो है ना वो मैंने ये ग्रीन कलर का स्वेटर लिया है, कॉलर है, अगेन फॉर्मल वियर में कैरी कर सकते हैं, कॉलर नेक है, स्लीव्स भी इस तरीके से स्ट्राइप्स की डिटेल दे रखी है। फ्रंट से ये लुक है इसका, पीछे से ये लुक है, अगेन फॉर्मल कैजुअल दोनों में कैरी कर सकते हैं। ये भी आपका जो है ना केबल निटेड सब डिज़ाइन के अंदर है ये, इसको भी बहुत लाइट है, बहुत सॉफ्ट मटेरियल है, हार्श ऑन स्किन नहीं है, बहुत लाइट फैब्रिक है, लाइट मटेरियल के अंदर है, अच्छे ब्रांड से है, ड्रेसबेरी ब्रांड से है, इसमें लिए यस ड्रेसबेरी ब्रांड से है। इसको कैजुअल फॉर्मल दोनों तरीके से आप स्टाइल कर सकते हैं, आप ट्राई ऑन में देख लो कैसा लग रहा है। मुझे इसकी लुक डिसेंट लगी है, मतलब मुझे डिसेंट लगे हैं इस हॉल में जितने भी मैंने स्वेटर शेयर करे हैं ना, सबकी क्वालिटी मुझे डिसेंट लगी, अच्छी लगी है। प्राइस पॉइंट के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, आपको कोई भी प्रोडक्ट अच्छा लगता है तो आपको लिंक में मैंने लिंक्स दिए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चेकआउट कर लेना। तो यस, ये थे आज की सारी वीडियो, आई होप आपको सारे प्रोडक्ट्स अच्छे लगे हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को थम्स अप ज़रूर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था, बहुत ही जल्द हम फिर से मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी स्टे सेफ, बाय बाय।